लेकिन अभी जरा यहाँ से जल्दी से निकले। बाकी आपको एक बात, रूम बहुत अच्छा है, अभी नया बना हुआ है, एक सेल्फ में स्टार्ट। इतनी अच्छी ब्यूटी है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर सत श्री अकाल जी, वेलकम बैक टू माय चैनल सीरा हरमीक। और अभी हम हैं काजा में, काजा के अंदर होटल है, अभी होटल में हैं, रेडी हो रहे हैं, रेडी होके ब्रेकफास्ट करेंगे और ब्रेकफास्ट करके जल्दी से निकलेंगे। आज सारी साइट सीन करनी हमने काजा की, तो वो आपको सब मैं एक बार गाड़ी में बैठ के बताऊँगा, लेकिन अभी जरा यहाँ से जल्दी से निकलें। बाकी आपको एक बार थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ अपनी विंडो से कि कैसे आ रहे हैं। धूप निकली हुई है बहुत बढ़िया, मुझे देखिए ये काजा जो हमारा होटल है हम वहाँ पर हैं। और ये आसपास का व्यू, ये हमारी टाटा का टैंक जो कि अब तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बाकी हम होटल रूम में रुके, रूम तो बहुत मैसी है, लेकिन आपको फिर भी दिखा देता हूँ एक बार। ये है देखो, मड हाउस है, ये मड एंड वुड का पूरा बना हुआ है ये। और रूम बहुत अच्छा है, अभी नया बना हुआ है ये, इसको एक साल भी नहीं हुआ है। ये बेड है, वॉशरूम आपको दिखाता हूँ एक बार मैं। ये यहाँ का वॉशरूम है, वॉशरूम बहुत अच्छा बना हुआ है, गीज़र है, पानी आ रहा है। और अभी इसमें इतना ना वो नहीं है, पानी जम नहीं रहा यहाँ पर, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी आपको एक बार ब्रेकफास्ट करके ना गाड़ी में बैठ के जाना नहीं है, फिर छोड़ दो तेरे को यहीं पे, आपसे बात करते हैं। गाड़ी एक बार देखते हैं एक सेल्फ में स्टार्ट होती है कि नहीं। अरे वाह, सिंगल सेल्फ स्टार्ट, सॉरी गियर लगी हुई थी, सिंगल सेल स्टार्ट है गाड़ी, शानदार टाटा। भाई सिंगल सेल स्टार्ट है गाड़ी, और इतना टेम्परेचर है इसके बावजूद। ये जो ये वाली जो है ना, ये बर्फ, ये कल नहीं थी, ये वाली भी और ये वाली भी, ये कल नहीं थी, ये स्नो, ये रातों रात पड़ी है। जो भी है बहुत अच्छा व्यू है। अभी हम ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है और अब हम अपने होटल से निकल चुके हैं टूवर्ड्स लांगजा, हम जा रहे हैं लांगजा। लांगजा यहाँ से है 16 किलोमीटर है, आधा घंटा लगेगा। बाकी आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे कैसे हैं, सड़कें कैसी हैं, वो सब हम आपको शेयर करेंगे। ये देखो बाइकर्स, बाइकर्स भी बहुत हैं अभी यहाँ पर, बाइकर्स बहुत हैं। ओ माय गॉड, सामने देखिए व्यूज, ये वाला व्यू हमें पूरे रास्ते में कहीं नहीं दिखा है, जितना ये वाइड है ना, ये वाइड एंगल देखूं, वाइड एंगल कितना वाइड होगा, इतना भी वाइड नहीं हो सकता, कैप्चर ही नहीं कर पा रहा। लेकिन जो ये व्यू है ना, ये व्यू हमें पीछे भी नहीं दिखा था कहीं पे, पूरे रास्ते में 2-3 दिन से हम चल रहे हैं, पूरे रास्ते में कहीं पे ये व्यू नहीं दिखा है। भाई व्यू जो है ना, ये देखते ही बनते हैं। और हम दिल्ली से हम काजा तक आ गए हैं, लेकिन हमने कोई भी व्यू रिपीट नहीं हुआ है। और जो अभी हम करंटली जो आप व्यू देख रहे हो ना, ये व्यू काजा से आगे का है, जस्ट काजा जो है ना उससे जस्ट आगे 1-2 किलोमीटर निकले, निकलते ही व्यू शुरू हो गया है। जन्नत देखनी है ना किसी को, तो अभी दिखाता हूं आपको, ये देखो।
अभी हम यहीं पे हमने ना बहुत सारे फोटोज लिए हैं, लेकिन मन नहीं भर रहा है। अभी भी लग रहा है कि यहीं रुके रहे हैं, बस फोटोज लेते रहे, क्योंकि हम सारी पिक्चर्स कैप्चर ही नहीं कर पा रहे, जितने भी सीनिक ब्यूटीज हम कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं। इतना बढ़िया है, इतना सुंदर है ये, और बोलते हुए ना मुझे सांस चढ़ रहा है। और हाइट में आप बताऊँ कितनी कितनी है हाइट है, कैमरा फोकस कर रहा है, 13,340 हाइट में अभी हम। और अभी हमारे कुछ यार दोस्त आते हैं, भाई तुम इंजॉय करो, इंजॉय करो, इंजॉय करने के लिए कोई मना नहीं करता, लेकिन ये सब मत करो। आते हो अपने पास रख लो, जहाँ पर आपको डस्टबिन दिखे वहाँ पर इसको फेंक दो, ठीक है। इतनी अच्छी ब्यूटी है, इसको गंदा नहीं करना चाहिए। और वहाँ पर देखो बहुत कुछ गिरा हुआ है, ये वाइट है ना, पॉलीबैग से गिरे हुए, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना भाइयों। बाकी आप देखिए, हमारा तो यही मन कर रहा है कि बस हम यहीं पे ही खड़े रहें और बस कैप्चर ही करते हैं। कोई भी नहीं है यहाँ पर ना, कोई भी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ हमारी गाड़ी खड़ी है, हमारा टाटा का टैंक खड़ा हुआ है, बाकी कोई भी नहीं है। तबगुन ने भी बहुत इंजॉय किया यहाँ पर। तबगुन आपने इंजॉय किया? थम्स अप है, यस थम्स अप है, ग्लव्स में से दिख नहीं रहा लेकिन थम्स अप है। चलो चलें फिर, आओ आगे चलते हैं लांजा। अब आपको आज लांजा पे मिलते हैं एक बार। अभी हम जस्ट पीछे वाले व्यूज जो आपने शॉर्ट्स देखे हैं वो वहाँ से निकले हैं, और हम कितना आए होंगे 500 मीटर, मतलब हमने एक पहाड़ का टर्न लिया है। टर्न लेने के बाद अब यहाँ पर व्यू देखो, ये भी बिल्कुल ही अलग है, और बिल्कुल ऐसे लैंडस्केप बिल्कुल नीचे नीचे आ गया, मतलब इतना हाइट वो नहीं है, ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे नहीं है, बिल्कुल नीचे नीचे आ गया, ग्राउंड टाइप का आ गया, वैली टाइप की है। और यहाँ पर भी अब मन कर रहा है यहाँ पर भी रोक लें और इसको भी सब पे कैप्चर लें, इस पर भी क्लिक करें। और आपको ना जो लांजा की जो फेमस जो बुद्धा जी की स्टैचू है वो उधर है, उधर और ये इतनी अच्छी टॉप पे बनी हुई है वैली के अंदर, और इतनी पॉजिटिविटी यहाँ पर, मतलब क्या कहूँ आपको, इतना अच्छा पॉजिटिव फील हो रहा है ना हमें यहाँ पर, हम आए हैं तो लांजा के लिए हमें स्ट्रेट जाना है, हिक्किम कॉमिक के लिए हमें जाना पड़ेगा राइट। तो अभी हम जाएंगे स्ट्रेट, पहले लांजा करेंगे फिर हिक्किम और कॉमिक करेंगे। सड़क बहुत अच्छी बना रखी है अभी तक तो ना, ये थोड़ी सी आई है लेकिन ये भी ठीक है। सड़क जो नीचे से ऊपर तक अभी आई है बिल्कुल नई बनी हुई है, बहुत शानदार सड़क है। अब हम लांजा में जो फेमस बुद्धा जी की स्टैचू है जो कि वैली की तरफ मुंह करके बैठी हुई है, वो मैं आपको दिखाता हूँ एरिया, और अपनी ब्लेसिंग्स हैं जो वो दे रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं यहाँ पर, और आप सब देखें यहाँ पर ना कैफेज भी हैं, आप खा भी सकते हैं, खाने पीने का भी है। हालांकि मुझे अभी लग रहा है अभी बंद हो गए हैं सब, क्योंकि ऑफ सीज़न है ऑलमोस्ट, मुझे लगता नहीं है ओपन है। ये वॉशरूम भी हैं यहाँ पर बने हुए हैं, सब है यहाँ पर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आ सकते हो। लेकिन आप सीज़न में आओगे तो आपको सब अवेलेबल मिलेगा यहाँ पर, लेकिन अभी सब बंद है, लॉक लगे हुए हैं। और नीचे ही कुछ घर हैं लोकल्स के, और ये ना फार्मिंग भी कर रहे हैं, ये आप नीचे देखोगे तो लोकल्स के घर हैं, और ये फार्मिंग के लिए भी फार्मिंग भी करते हैं यहीं पर। यहाँ पर रह कैसे लेते हैं इतनी हाइट पर, सोचने वाली बात है। बाकी देखिए जैसे जैसे हम बुद्धा जी की मूर्ति के पास जा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है, और ऐसा लग रहा है ये सामने देखो स्नो पीक्स हैं, और ये पीछे का व्यू देखिए आप पीछे से इनका, ड्रोन हमने उड़ा दिया है
अमृत ड्रोन फ्लाई कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ अपने ड्रोन की। ये रहा हमारा ड्रोन अमृत, इसको ऊपर ऊपर लेके जाओ, उसको ऊपर लेके जाना, ठीक है। चलो बाकी अभी ये अब 360 व्यू है, ये देखो, बाकी अब ड्रोन शॉट एंजॉय करो। ड्रोन के जो शॉट है ना, मैं अपने मोबाइल में चेक कर रहा था, वो बहुत अल्टीमेट लग रहे थे। तो वो इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, और पीछे लेके जब मैं आगे लेके आया उसको ड्रोन को, तो जो स्टैचू है बहुत अच्छी लगती है। चलो अब आगे के लिए निकलते हैं और फिर आपको रास्ता कैसे मिलियंस ऑफ इयर्स पुराने फॉसिल्स होते हैं। अब जैसे कोई कीड़ा है या कोई बस मर जाता है, ठीक है, फिर वो धीरे 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 वो स्टोन बन जाता है, स्टोन बन के फिर मिट्टी में दब जाता है। फिर यहाँ पर कभी कभी वो खोदते हैं, कुछ भी निकालते हैं ना, तो मिट्टी में से फिर ये निकलते हैं। तो ये फॉसिल्स हैं हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर फॉसिल्स के लिए भी ये बहुत सारे। अभी हम जा रहे हैं कॉमिक की तरफ, और हाइट देखिए सर, आप इसमें दिख रही है कि नहीं आपको, 14,260। अभी ये हम कॉमिक पहुँच गए हैं, और मेरे पीछे है वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक।